से स्वागत है आपके अपने चैनल प्लस स्टडी आईक्यू पर। दोस्तों, हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो कल्चर मीडिया के ऊपर चल रहा है। पिछले जो लेक्चर में हमने समझा था इंट्रोडक्शन ऑफ कल्चर मीडिया के बारे में, आज हम समझेंगे दोस्तों टाइप्स ऑफ कल्चर मीडिया, कौन कौन से टाइप के कल्चर मीडिया यूज किए जाते हैं बैक्टीरियोलॉजी के अंदर, वो सारे मीडिया के बारे में हम डीप में समझेंगे। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पे टॉपिक चल रहा है हमारा कल्चर मीडिया, और ये इससे बहुत सारे लॉट ऑफ टाइप के एमसीक्यू जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, साथ ही ये इसके ऊपर जो यूनिवर्सिटी से जो क्वेश्चन बनते हैं कल्चर मीडिया के ऊपर, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे हमेशा बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ कल्चर मीडिया के बारे में। और जो कल्चर मीडिया को ऑन दी अलग अलग बेस पर अलग अलग डिवाइड किया गया है, जैसे कि हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, यानी उनकी फिजिकल स्टेट के आधार पर कल्चर मीडिया को दोस्तों तीन पार्ट में यहाँ पे डिवाइड किया गया है। कौन कौन से? फर्स्ट जो है लिक्विड मीडिया, और सेकंड है सेमी सॉलिड मीडिया, और थर्ड है सॉलिड मीडिया। यानी फिजिकल स्टेट के आधार पर जो कल्चर मीडिया को डिवाइड किया गया है, तीन टाइप में डिवाइड किया गया है। पहला है लिक्विड मीडिया, लिक्विड मीडिया को ब्रॉथ मीडिया भी कहते हैं, साथ ही सेकंड है सेमी सॉलिड मीडिया, और थर्ड है सॉलिड मीडिया। और नेक्स्ट जो आधार पर जो कल्चर मीडिया को डिवाइड किया गया है वो है ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन जो मॉलिक्यूल होता है उसके बेस पर भी जो कल्चर मीडिया को टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है दोस्तों एरोबिक मीडिया, और सेकंड है अनएरोबिक मीडिया, यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो ग्रोथ होती है ऐसे बैक्टीरिया एरोबिक कल्चर मीडिया में ग्रो किए जाते हैं, और जो ऑक्सीजन की अब्सेंस में ग्रोथ करते हैं उनको अनएरोबिक कल्चर मीडिया में ग्रोथ कराते हैं। कल्चर मीडिया क्या होता है ये पूरी डिटेल्स हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा तो पिछला लेक्चर जरूर देखें, क्योंकि पिछला लेक्चर पूरा कॉन्सेप्ट वाला लेक्चर था। और इसमें जो नेक्स्ट जो बांटा गया है उसके बारे में हम समझ लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन के आधार पर, यानी न्यूट्रिशन के आधार पर भी दोस्तों जो कल्चर मीडिया को फोर टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है सिंपल मीडिया, और सेकेंड है कॉम्प्लेक्स मीडिया, और थर्ड है सिंथेटिक मीडिया, और फोर्थ है स्पेशल मीडिया। स्पेशल मीडिया में दोस्तों इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी सेवन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, और इसके इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, इनको डीप में भी हम समझेंगे, लेकिन सिंपल ही समझ लेते हैं कौन से टाइप्स में डिवाइड किया गया है कल्चर मीडिया को। तो ये ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन के आधार पर फोर टाइप में कौन से? सिंपल मीडिया, और सेकेंड है कॉम्प्लेक्स मीडिया, और थर्ड है सिंथेटिक मीडिया, और फोर्थ है स्पेशल मीडिया। और स्पेशल मीडिया को भी फिर सेवन क्लास में क्लासिफाई किया गया है। कौन कौन से? तो सेवन टाइप में जो फर्स्ट है एनरिच मीडिया, कौन सा दोस्तों? एनरिच मीडिया। अब एनरिच मीडिया के बारे में भी हम समझेंगे कि एनरिच मीडिया होते क्या है, क्यों यूज किए जाते हैं। और सेकेंड है एनरिचमेंट मीडिया, और थर्ड है सिलेक्टिव मीडिया, यानी जो सिलेक्टिव जो मीडिया उन ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ कराने के लिए किया जाता है, जो सिलेक्टिव टाइप्स के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ कराने के लिए किया जाता है। साथ ही इनके डीप में हम समझेंगे पूरी प्रोसेस। अभी हम देख लेते हैं कौन कौन से टाइप के होते हैं। तो फर्स्ट हमारा क्या था? स्पेशल मीडिया में एनरिच मीडिया, और सेकेंड है एनरिचमेंट मीडिया, और थर्ड है सिलेक्टिव मीडिया, और फोर्थ है डिफ्रेंशिएट मीडिया, डिफ्रेंशिएट करने के लिए जो यूज करते हैं बैक्टीरिया को, और फिफ्थ है हमारा इंडिकेटर मीडिया, यानी जो इंडिकेटर की तरह जो जिसका हम यूज करते हैं मीडिया का कल्चर मीडिया को वो इंडिकेटर मीडिया कहलाता है भाई। नेक्स्ट जो है ट्रांसपोर्ट मीडिया भी हम यूज करते हैं, यानी जो सैंपल लेते हैं वो बैक्टीरिया को ग्रो कराने के लिए उस ट्रांसपोर्ट की तरह जो एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए वो स्पेसिमेन को हम उसमें मीडियम में रख के एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट की तरह हम यूज करते हैं उसको ट्रांसपोर्ट मीडिया कल्चर मीडिया में रखा जाता है भाई। नेक्स्ट जो लास्ट का है सुगर मीडिया, जिसमें सुगर यूज की जाती है वो सुगर मीडिया कहलाते हैं। ये सारे टाइप्स दोस्तों ये कल्चर मीडिया के अलग अलग टाइप में आपने देख लिए ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट के आधार पर। आपको याद रखना है कि ये तीन टाइप के होते हैं लिक्विड, सेमी सॉलिड और सॉलिड मीडिया।
और ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के बिहाव पे आप देखेंगे दोस्तों तो एरोबिक एनएरोबिक और ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन के आधार पर फोर टाइप के सिंपल मीडिया कॉम्प्लेक्स मीडिया और सिंथेटिक मीडिया और स्पेशल मीडिया, ये आपको याद रखना है। फिर स्पेशल मीडिया को भी सेवन क्लास में क्लासिफाई किए गए, एनरिच मीडिया एनरिचमेंट मीडिया एंड और सिलेक्टिव मीडिया डिफरेंशिएट मीडिया इंडिकेटर मीडिया ट्रांसपोर्ट मीडिया और शुगर मीडिया। ये सारे मीडिया हाँ जो कल्चर मीडिया ये यूज किए जाते हैं और बैक्टीरिया को ग्रोथ कराने के लिए। इनका अलग अलग हम एग्जांपल के बेस पे इनकी डेफिनेशन कैसे कैसे यूज करते हैं सारे हम समझेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं जो लिक्विड मीडिया, तो आपने लिक्विड से यानी जो ग्रोथ मीडिया जिसका दूसरा नाम होता है यानी इसमें लिक्विड मीडिया जो दोस्तों लिक्विड का यूज करते हैं लिक्विड मीडियम का यूज करते हैं उनको लिक्विड मीडियम में जाएगा। सेमी सॉलिड मीडिया यानी जो लिक्विड मीडिया होता है दोस्तों उसमें जो सॉलिडिफाइंग एजेंट जैसे कि अगार हम यूज करते हैं उसको सॉलिड करने के लिए, तो अगार को अगर हम कितने मात्रा में दोस्तों 2-3% अगर हम अगार इसमें लिक्विड मीडियम में मिलाएं, ये लिक्विड मीडियम है हमारे पास इसमें 2-3% अगर हम अगार इसमें मिलाते हैं तो ये कैसा कहलाता है। 2-3% अगर हम अगार इसमें मिलाएंगे तो ये कैसा हो जाएगा, सॉलिड मीडिया हो जाएगा। लिक्विड मीडिया में अगर 2-3% अगार यूज करते हैं तो कैसा हो जाएगा दोस्तों, तो सॉलिड मीडिया में कन्वर्ट हो जाएगा। भाई हम अगर सेमी सॉलिड बनाना मीडिया तो उसमें हमको 0.2-0.4% अगर आपको यहाँ पे इसमें ऐड करना होगा तो वो कैसा कन्वर्ट हो जाएगा, सेमी सॉलिड मीडिया में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये या आपको याद रखना सॉलिडिफाई एजेंट की तरह जो अगार का यूज करते हैं। भाई नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के बेस पे एरोबिक और अनएरोबिक यानी जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो बैक्टीरिया ग्रोथ करते हैं उनको हम एरोबिक कल्चर मीडिया में ग्रोथ कराते हैं और जो ऑक्सीजन की अब्सेंस में ग्रो करते हैं उनको हम अनएरोबिक कल्चर मीडिया में ग्रोथ कराते हैं। हमारे जो मेन जो पॉइंट है दोस्तों इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है जो स्पेशल मीडिया, लेकिन उससे पहले हम सिंपल मीडिया के बारे में भी समझेंगे कि सिंपल मीडिया क्या होता है। सिंपल मीडिया दोस्तों इसमें कुछ नहीं होगा, न्यूट्रिशन ग्रोथ और 1% एक्सट्रेट मीट एक्सट्रेट रहेगा। क्या दोस्तों, न्यूट्रिशन इसमें ग्रोथ रहेगा और क्या रहेगा दोस्तों 1% इसमें जो मीट एक्सट्रेट इसमें रहेगा उसको हम क्या कहेंगे, सिंपल मीडिया कहते हैं। अब ये कॉम्प्लेक्स मीडिया क्या होगा दोस्तों, कॉम्प्लेक्स मीडिया को देखें तो कॉम्प्लेक्स मीडिया में क्या होता है दोस्तों, जो सिंपल मीडिया होता है उसमें रेदर देन मिक्स कॉम्प्लेक्स मतलब कि सिंपल मीडिया में अगर कुछ हम ऐड करते हैं जैसे कि सपोज 0.5% हमने अगर ग्लूकोज ऐड किया कॉम्प्लेक्स जो सिंपल मीडिया में 0.5% अगर हमने ऐड किया तो वो क्या कहलाएगा, शुगर अगर हमने ऐड किया 0.5% तो वो शुगर मीडिया कहलाएगा। और वैसे ही अगर हम नेक्स्ट कुछ ऐड करेंगे जैसे कि पेप्टोन जो आपका नेक्स्ट, अब अगर कोई भी चीज जो सिंपल मीडिया में अदर जो कल्चर जो कॉन्स्टिट्यूट यूज करते हैं जैसा कि उसमें आपने यहाँ पे समझा कि सॉलिड मीडियम हम क्या ऐड कर देंगे, जो लिक्विड मीडिया रहेगा उसमें अगर ऐड कर देंगे तो वो कैसा हो जाएगा, सॉलिड मीडिया हो जाएगा। किस किस परसेंट में ऐड करेंगे वो सेमी सॉलिड मीडिया हो जाएगा। वैसे ही अगर सिंपल मीडिया कैसा होता है, सिंपल मीडिया इसमें सिर्फ न्यूट्रिशन ब्रोथ रहेगा, ब्रोथ में आप न्यूट्रिशन ब्रोथ में पेप्टोन ऐड कर सकते हैं, पेप्टोन को हम न्यूट्रिशन ब्रोथ कहते हैं। और जो 1% मीट एक्सट्रैक्ट ये सिंपल मीडिया के बेस पर आएगा। ऐसे ही अगर इसमें कुछ ऐड करेंगे रेदर देन कुछ भी ऐड करेंगे तो वो कैसा कहलाएगा दोस्तों, कॉम्प्लेक्स मीडिया कहलाएगा। और सिंथेटिक मीडिया कैसे कहते हैं, सिंथेटिक मीडिया में क्या दोस्तों एग्जैक्ट केमिकल का यूज करते हैं, जो एग्जैक्ट केमिकल इसमें हम क्या करते हैं, एग्जैक्ट केमिकल का हम जो यूज करेंगे वो कैसा कहलाएगा दोस्तों, सिंथेटिक मीडिया कहलाएगा। और जो स्पेशल मीडिया में दोस्तों ये 7 टाइप के मीडिया है जैसे कि एनरिच मीडिया एनरिचमेंट मीडिया सिलेक्टिव मीडिया डिफरेंशिएट मीडिया इंडिकेटर मीडिया और ट्रांसपोर्ट मीडिया और शुगर मीडिया। तो
तो जिसमें एनरिच मीडिया क्या कहलाएगा दोस्तों, एनरिच का मतलब होता है कि न्यूट्रिशन, ऐसा मीडियम जो बैक्टीरिया को सिर्फ न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराए, तो वो मीडियम कैसा कहलाएगा दोस्तों, एनरिच मीडिया कहलाएगा। और ये बाइड मतलब कि लॉट ऑफ टाइप की जो बैक्टीरिया को ग्रोथ करने के लिए एनरिच मीडिया का यूज करते हैं, जैसे कि एनरिच मीडिया का जो एग्जांपल मोस्टली ब्लड अगार और चॉकलेट अगार रहता है, एनरिच मीडिया के अंदर आता है, क्योंकि न्यूट्रिशन जो बैक्टीरिया को क्या न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराने वाले जो भी मीडिया का हम यूज करते हैं उसको एनरिच मीडिया कहते हैं, जिसमें एग्जाम्पल आपको याद रखना होगा ब्लड अगार और चॉकलेट अगार। एनरिचमेंट मीडिया क्या कहलाता है, एनरिचमेंट मीडिया में क्या होता है, एक तो ये क्या होता है दोस्तों, लिक्विड मीडिया का, इसमें एक लिक्विड मीडिया होता है, और लिक्विड मीडिया में कैसा दोस्तों, जो डिफरेंशिएट करे, किसमें जो स्पेशल डिफरेंशिएट करने के लिए, बैक्टीरिया को डिफरेंशिएट करने के लिए एनरिचमेंट मीडिया का यूज करते हैं, जिसमें आप मैकोंकी अगर यहाँ पे आप मैकोंकी का जो कल्चर मीडिया है वो यहाँ पे एग्जांपल आप याद रख सकते हैं। सिलेक्टिव मीडियम क्या होते हैं, सिलेक्टिव मीडियम यानी किसी पर्टिकुलर बैक्टीरिया को ग्रोथ करने के लिए सिलेक्टिव मीडिया का यूज करते हैं, यानी सिर्फ वही सिलेक्टिव जिस बैक्टीरिया पर्टिकुलर बैक्टीरिया का ग्रो कराना है हमको, सिर्फ उसी बैक्टीरिया को ग्रो कराने के लिए जो सिलेक्टिव मीडियम का हम यूज करते हैं कि सिर्फ वही ग्रो करे, कोई अनादर उसमें माइक्रोऑर्गन या फिर बैक्टीरिया उसमें ग्रो ना करे, सिर्फ हम जो चाहते हैं सिर्फ उसमें सिलेक्टिव मीडिया के अंतर्गत हम इसका यूज करते हैं। डिफरेंशिएट मीडिया सिर्फ मीडियम में जो बैक्टीरिया में डिफरेंशिएट करने के लिए, अलग अलग बैक्टीरिया को डिफरेंशिएट करने के लिए डिफरेंशिएट मीडिया का यूज करते हैं। वहीं इंडिकेटर मीडिया में दोस्तों एक मीडिया जो बैक्टीरिया होते हैं उनको इंडिकेटर की तरह, यानी जो कल्चर मीडिया, ऐसा कल्चर मीडिया हम इसमें यूज करते हैं जो इंडिकेट करे, यानी ये पर्टिकुलर ये बैक्टीरिया है या ये बैक्टीरिया, यानी कलर फॉर्म में कोई भी इंडिकेट करते हैं दोस्तों, इसमें इंडिकेटर मीडिया कहलाता है। ट्रांसपोर्ट मीडिया, एक जगह से दूसरी जगह जो हम बैक्टीरिया जो माइक्रो स्पेसिमेन को भेजने में जो हम मीडियम का यूज करते हैं वो ट्रांसपोर्ट मीडिया के अंतर्गत इसमें आता है। और शुगर मीडिया में जो भी सिंपल मीडिया में अगर हम शुगर ऐड करते हैं तो वो शुगर मीडिया के अंतर्गत ये आता है। तो ये सारे कल्चर मीडिया दोस्तों बैक्टीरियोलॉजी में यूज किए जाते हैं और इनके आधार पर ही दोस्तों इनको बांटा गया है अलग अलग। आपको हर बैक्टीरिया यहाँ पे कल्चर मीडिया का एग्जांपल याद होना चाहिए और इसी तरह आपको क्लासिफाई करना होगा एग्जाम में, इसी तरह आपको लिखना होगा कि ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट पे कौन से कितने टाइप में बांटा गया है, फिर आपको ऑन द बेसिस ऑफ मोलिकुलर ऑक्सीजन के आधार पर और ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन के आधार पर फिर किस तरह बांटा गया है और स्पेशल मीडिया इसमें सेवन आपको ये सब ऐसा सिर्फ लिखना होगा, पूरे आपको यहाँ पे नंबर मिलेंगे, साथ ही आपको एग्जांपल भी उसमें साथ साथ में बताना है और थोड़ा सा डिस्क्राइब करना है कि एनरिच मीडिया क्या होता है, कि न्यूट्रिशन के लिए जो बैक्टीरिया जो कल्चर मीडिया यूज किया जाता है वो एनरिच मीडिया, एनरिचमेंट मीडिया क्या होता है डिफरेंशिएट करने के लिए जो हम यूज करते हैं एनरिचमेंट मीडिया, और सिलेक्टिव मीडिया में भी हम डिफरेंशिएट ही करते हैं और जो मतलब पर्टिकुलर एक बैक्टीरिया को ग्रो कराने के लिए करते हैं, डिफरेंशिएट मीडिया में डिफरेंशिएट की तरह हम यूज करते हैं और इंडिकेटर में जो मैस्ट मैकोंकी अगार का हम यूज करते हैं। ये सारे एग्जांपल आपको याद होना चाहिए। इसमें सिर्फ हमारा टाइप्स ऑफ कल्चर मीडिया के बारे में था, पिछला लेक्चर हमने इंट्रोडक्शन ऑफ कल्चर मीडिया के बारे में पहले ही बता चुके हैं, और इस वीडियो में अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है इस लेक्चर में तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों नेक्स्ट हम डिटेल में आगे भी लेक्चर आएंगे, जैसे कल्चर मेथड के जो टाइप्स देखेंगे, नेक्स्ट जो वीडियो रहेगी कल्चर मेथड के ऊपर रहेगी दोस्तों, जल्दी लाएंगे। और इस वीडियो से इस लेक्चर से आपको कोई भी प्रकार का डाउट है तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं और आपको लेक्चर कैसा लगे इसमें जरूर यहाँ पे कमेंट करके बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें दोस्तों, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही।